तो एक नया क्वेश्चन उठा रहा है और ये क्वेश्चन ना इस अटेम्प्ट में आया है। इसका मतलब, इस अटेम्प्ट का मतलब सर मई 2019 और न्यू सिलेबस में है, सॉरी ओल्ड सिलेबस में है, पर फॉरेक्स का क्वेश्चन है तो ओल्ड और न्यू दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो तो देखते हैं कि क्या था, क्या है आखिर इस क्वेश्चन में। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से जो हमको डिस्कशन करना। हाँ जी, लिखा अ जर्मन सब्सिडरी, जर्मनी ठीक है, ऑफ एन यूएस बेस्ड एमएनसी हैज टू मोबालाइज 1 लाख यूरो वर्किंग कैपिटल। भाई ऐसा है कि इनको, जर्मनी को 1 लाख यूरो की जरूरत है, और कितने पीरियड के लिए है, 12 महीने के लिए जरूरत है, 12 महीने 12 मंथ मतलब 1 साल, ठीक है भाई। यूरो चाहिए, यूरो कितना चाहिए, 1 लाख। तो आपके पास पहला तो आप जर्मन से ही बैंक, जर्मन बैंक से ही उधार ले लीजिए 1 साल के लिए, और जर्मन बैंक में यूरो चलता है, कोई बात नहीं, जर्मनी में तो यूरो चलता है, 5% के हिसाब से उधार मिल जाए। दूसरा आप यूएस से उधार ले लीजिए, पर यूएस में ध्यान रखना डॉलर चलता है, इसका मतलब डॉलर उधार लेकर आप यूरो में कन्वर्ट करवा लीजिए, आपको सस्ता पड़ेगा, कितना परसेंट, 4%। तीसरा आप स्विस बैंक से उधार ले लीजिए, वहां एसएफ चलता है, कितने परसेंट पे, 3% पे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई, अगर अभी तक जो क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन इतना समझ में आया मुझे कि सर जी ऐसा है कि आपको यूरो चाहिए, पैसों का जरूरत है, और आप यूरो का अरेंजमेंट 3 जगह से कर सकते हैं, या तो जर्मनी से जहां यूरो करेंसी चलती है, या तो यूएस से, या तो स्विस बैंक से। इसको एक बार यहां मैं लिख लूँ, ठीक है, समझाने में दिक्कत नहीं होती। ये लो, ये कहां है, जर्मनी, जर्मनी, और जर्मनी में क्या चलता है, यूरो, आपको जरूरत किसकी है, यूरो 1 लाख, इतने की आपको जरूरत है, इतना कि आपको नीड है। अब आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन, पहला ऑप्शन कहाँ से पैसे ले, जर्मनी से ही ले ले, जर्मनी, जर्मनी में करेंसी कौन सी चलती है, यूरो, और कितने परसेंट पे पैसा उधार मिल जाएगा, 5%। दूसरा ऑप्शन कि आप उधार कहां से ले रहे हैं, यूएस बैंक से, यूएस में क्या चलता है, डॉलर, कितने परसेंट पे उधार मिल जाएगा, 4%। तीसरा ऑप्शन है कि आप स्विस बैंक से ले लें, वहां करेंसी कौन सी चलती है, एसएफ, और कितने परसेंट पे उधार मिल जाएगा, 3%। बताओ कहां से उधार ले। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो वो तो, अगर मैं किसी जिसको डॉलर वॉलर फॉरेक्स वॉरेक्स एफएम का नॉलेज नहीं, वो तो सीधा कहेंगे यार ये तो कैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल अजीब सा क्वेश्चन नहीं लग रहा, कहां से उधार ले। कोई भी बच्चा भी बता देगा कि स्विस बैंक से उधार ले लो ना, क्यों, क्योंकि यहां तो 3% पे उधार मिल रहा है। काश इतना इजी क्वेश्चन होता, अब समझना, बिल्कुल ध्यान से समझोगे मेरी बात को। अगर मैं जर्मनी से उधार लेता हूं तो यहां करेंसी कौन सी चल रही है, यूरो, इट मींस यहां तो कोई टेंशन ही नहीं, जर्मनी से उधार लीजिए, यूरो उधार लीजिए, 1 साल बाद विथ इंटरेस्ट हम पेमेंट कर देंगे, जर्मनी से उधार लेने में दिक्कत नहीं। दिक्कत कहां है, दिक्कत है यूएस से उधार लेने में, क्योंकि यहां करेंसी कौन सी है, डॉलर, और आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर उधार लेकर यूरो में कन्वर्ट तो करवा लोगे, लेकिन जब हमको पेमेंट करना पड़ेगा तो हमें पेमेंट किस रूप में करना पड़ेगा, डॉलर, डॉलर में ही पेमेंट करना पड़ेगा, और हमें 1 साल बाद डॉलर खरीदना पड़ेगा। हाँ सर, खरीदना पड़ेगा सर, दिक्कत ये है 1 साल बाद डॉलर का रेट अगर बढ़ गया तो, इट मींस यहां मुझे किस बात का डर है, मुझे किस बात का डर है, डॉलर के
बढ़ने का डर, डर है। यहां ऐसा कोई टेंशन नहीं था, अगर मैं जर्मनी से उधार लेता हूं तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन यहां तो टेंशन है। ऐसे ही अगर मैं यहां से उधार लेता हूं, यहां से आ तो जाएगा लेकिन वापस जो मुझे करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, एसएफ। और किस बात का डर? एसएफ के बढ़ने का डर। इट मींस अगर आप जर्मनी से उधार लेते हो तो कोई टेंशन नहीं है, फॉरेन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है ही नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क दो जगह है, कहाँ कहाँ है, यूएस में है और कहाँ है, स्विस बैंक में। अच्छा, हालांकि रेट देखने से ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ यहाँ से ले ले, यहाँ से ले लो ज़्यादा अच्छा, लेकिन इसके अलावा भी तो बहुत सारे फैक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे। ठीक है सर, करना क्या है, करना क्या है, एक काम करते, मैंने नीचे वाला पार्ट अभी नहीं पढ़ा है, ये वक्त आने पर पढ़ लूँगा। करना है कि हम तीन ऑप्शन बनाएंगे, हमें इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट, नेट कॉस्ट। हमारे पास तीन ऑप्शन है, या तो लोन फ्रॉम जर्मनी, या तो लोन फ्रॉम यूएस बैंक, या तो लोन फ्रॉम स्विस बैंक। ठीक है, अच्छा अभी और एक बात समझो, जो जर्मनी की बैंक, जर्मनी की बैंक वो चार्ज करेगा एडिशनल 0.25% पर एनम टुवर्ड्स लोन सर्विसिंग। इट मींस कि सर हमको अगर हम जर्मनी से बोरो करते हैं तो हम लोगों को 5% नहीं देना है, 5% प्लस 0.25% एक्स्ट्रा, मतलब 5.25%, दिस इज इफेक्टिव कॉस्ट। और सर अगर हम यहां से उधार लेते हैं, कहां से, यूएस से या तो स्विस बैंक से, तो उसके विषय में यहां स्टोरी लिखी हुई है, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है सर, हम वन बाई वन करते, पहले हम जर्मनी वाला काम निपटा देते, जर्मन बैंक वाला, उसके बाद आगे काम। हाँ जी, ऐसा करते तो हम लोग लिखते हैं, लिखोगे मेरे साथ प्रेजेंटेशन, कैलकुलेशन ऑफ नेट कॉस्ट ऑफ बोरिंग। ठीक, इसमें पहला लिख लेते हैं, डॉट दे देते हैं, फर्स्ट डॉट, लोन फ्रॉम जर्मन बैंक, और इफेक्टिव कॉस्ट ले लेते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, 5% ये प्लस 0.25% ये, तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना आ गया, इफेक्टिव कॉस्ट आ गया 5.25%। ठीक है, अब इसके बाद कहाँ चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे लोन फ्रॉम यूएस बैंक। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा, तो यहां लिख दिया लोन फ्रॉम यूएस बैंक। अब समझना बेटे, अब बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको समझाना है। ठीक है, ठीक है सर, तो अब जो मेरे काम की चीज़ नहीं है उसको मैं हटा देता हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने हटा। ठीक, अब समझना ठीक से, क्योंकि यूएस का समझाऊंगा ना मैं बेटे, तो ऑटोमेटिक स्विस बैंक का समझ में आ जाएगा, यहाँ थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बिल्कुल मेरा साथ देना। ये लो भाई, आप कहाँ के हो? सर हम हैं जर्मन के। गुड, जर्मनी। कहाँ से उधार लेना है? सर हमको लेना है यूएस बैंक से। अच्छा, हमारे यहाँ कौन सी करेंसी चलती है? यूरो। और यूएस में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर्स। यहाँ तक ठीक है, ओके।
यूएस बैंक वाला कितने परसेंट पे हमको उधार देने को तैयार है? 4% के हिसाब से उधार देने को तैयार है, और हमें कितना चाहिए यूरो? 1,00,000। ठीक है, सवाल ये है, सवाल बिल्कुल ध्यान से समझना। हमने कहा ठीक है जी, 1,00,000 हम डॉलर उधार लेंगे, 1,00,000 नहीं उससे ज्यादा, वो तो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड करता है। अभी मैं मान के चलो 1,00,000 उधार लेंगे और 4% के हिसाब से हम पेमेंट कर देंगे। 4% के हिसाब से 1,00,000 का 4% कितना होता है? 4,000। मान के चलो $1 और 1 यूरो एक बराबर है, अभी ऐसा मान रहा हूं, बाद में हम चेंज करें। तो मैं $4,000 में यहां जो पेमेंट करूंगा वो पेमेंट करूंगा $4,000। सपोज $4,000 में 1 इक्वल मान के चल रहा हूं यूरो और डॉलर को। अब सवाल ये है कि जैसे ही मैं पेमेंट करने जाऊंगा, क्योंकि मैं किसको पेमेंट कर रहा हूं, मैं कहां का रहने वाला हूं, मैं रहने वाला हूं जर्मनी का, और मैं कहां पेमेंट करने वाला हूं, मैं क्या फॉरेन में पेमेंट करने वाला हूं? हां, मैं कहां पेमेंट करने वाला हूं, मैं पेमेंट करने वाला हूं यूएस में। तो पता है आपको एक विथहोल्डिंग टैक्स होता है। विथहोल्डिंग टैक्स का मतलब क्या होता है? विथहोल्डिंग टैक्स का मतलब जर्मनी की गवर्नमेंट कहेगी कि सर ऐसा है, अगर आप फॉरेन की पार्टी को पेमेंट कर रहे हो, हमने कहा हां, तो फॉरेन की पार्टी को क्या इनकम हो रही है? जी हां, तो जो फॉरेन की पार्टी को इनकम हो रही, उस इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैं कहूंगा वो तो वो देगा ना, फॉरेन की पार्टी, आप यूएस वालों से टैक्स वसूल करो ना, मुझसे क्यों कर रहे हो? तो जर्मनी का ये टीडीएस, सुना टीडीएस, उसी टाइप का कुछ होता है विथहोल्डिंग टैक्स। इट मींस अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको उसकी इनकम पे पहले ही टैक्स काट के हमको दे देना। ओहो, इसे कहा जाता है विथहोल्डिंग टैक्स। तो देखा, बैंक्स इन जर्मनी चार्ज, ये तो ठीक है। लोन फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी, बिल्कुल ध्यान से, लोन फ्रॉम आउटसाइड जर्मनी, अगर आप आउटसाइड जर्मनी से लोन लेते हो तो फिर आपको विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। कितना परसेंट? 8% ऑन इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मैं यहां में थोड़ा सा मुझे सजेस्टेड जो आंसर आया है उस पर शक है, पर ठीक है, मैं यहां कुछ मैच मिलाते हुए करूंगा। अगर मैं कहूंगा आउटसाइड इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट पे 8%, तो सीधा मैं $4,000 पे 8% दे दूंगा, लेकिन नहीं। अब समझना क्या होता है, कभी आपने ग्रॉसअप वैल्यू समझते हो? सर ये क्या होता है, मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाता, बिल्कुल ध्यान से समझना कि सजेस्टेड में क्या कर रखा। कितना पेमेंट करना? 4,000। मैंने कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। कितना परसेंट टैक्स देना है? 4,000। जितना इंटरेस्ट होगा उसका कितना परसेंट? 8%, यही मतलब है। तो मैं कहता हूं ठीक है, $4,000 देना और इसका 8% निकाल लो। $4,000 का 8%, तो $320। मैंने कहा ठीक है, ये 320 गवर्नमेंट आप टैक्स पकड़ लो मुझसे, और $4,000 में सामने वाले को पेमेंट कर देता हूं, बात खत्म। यही तो मतलब है ना भाई, $4,000 में यहाँ, ये $4,000 आया कहाँ से वो बाद में सोचेंगे। अगर मैं $4,000 का पेमेंट कर रहा हूँ तो $4,000 मेरा इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, उसका 8% 320 में टैक्स देने को तैयार हूँ, बात खत्म। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि भैया कितना पड़ा आपको, मैं कहूँगा $4,320। लेकिन अब सुनना, अब गवर्नमेंट बोल रही है नहीं, आप 4,000 में से 320 तो हमको टैक्स दे दिए, तो अब आप इधर 4,000 नहीं पहुंचा सकते, उसमें से काटो 4,000 माइनस 320। आपको जो रेमिटेंस करना है वो करना है $3,680 बस। इट मींस मैं कहूंगा इसका मतलब ये हुआ कि $4,000 जो है उसमें से मुझे टैक्स काट के गवर्नमेंट को देना है और बचा हुआ सामने वाले को देना है। हाँ, तो मैं कहूंगा ये थोड़ी ना मानेगा, इसको तो सिर्फ 4% इंटरेस्ट चाहिए, $4,000 चाहिए, बात समझो, इसको सिर्फ $4,000 चाहिए। तो फिर गवर्नमेंट कह रही ग्रॉसअप, ग्रॉसअप का मतलब बोले आप, सुनना ध्यान से, आप हमें इतना टैक्स दीजिए टोटल का कि उस टोटल में से हमारा टैक्स भी हो जाए और इधर $4,000 का भी पेमेंट हो जाए। बाप रे बाप, सर ग्रॉसअप वैल्यू आप सीधा सीधा बोल सकते हो क्या? बिल्कुल ध्यान से, अब ध्यान से समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा सुनो, मान लो ये सब खेल एक जगह है, अब समझ रहा मैं। मैंने कहा मान लो ये एक अमाउंट हो गया एक्स, ठीक,
और इसमें से टैक्स काटा जाएगा, माइनस कर देता हूँ, कितना टैक्स काटा जाएगा एक्स का 8%, यही बोल रहे हो, 0.08x, और टैक्स काटने के बाद इनके पास कितना जाना चाहिए, 4000। इट मींस मुझे 4000 पे 8% नहीं निकालना, मुझे इस वैल्यू पे 8% निकालना, तो ये वैल्यू क्या है ये निकालना पड़ेगा। तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, x माइनस 0.08x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4000। तो 0.92x इज इक्वल टू 4000, तो 4000 डिवाइडेड बाय 0.92, चेक करो कितना आ रहा है, ये लिखना नहीं है, ज़रूरत नहीं है, 4000 डिवाइडेड बाय 0.92, तो ये आ गया $43.48। बोले हाँ, $43.48 टोटल अमाउंट है, इसमें से 4348 का 8% कितना होता, 348। बोले हाँ, टोटल अमाउंट आपका निकला 4348, राउंड ऑफ कर दिया, उसमें से 348 हो जाएगा टैक्स और $4000 आपका चला जाएगा सामने वाली पार्टी को। तो ये अमाउंट, ये सही है, ये वाला अमाउंट है बोले आपका। इतनी सारी कहानी का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि सजेस्टर ने ऐसे किया कि, हाँ हालांकि प्रोविजन के हिसाब से ठीक है, लेकिन लैंग्वेज में साफ साफ लिखा 8% और इंटरेस्ट पेमेंट, बात खत्म हो जानी चाहिए थी, पर ठीक है, सजेस्टेड को मैच कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ मुझे टोटल कितना पड़ा टैक्स, मुझे पड़ा टोटल अमाउंट कितना पड़ा, टोटल इधर 4000 गया, इधर 348 गया, तो मुझे पड़ा 4348, कितने पे पड़ा, 100,000 इंटू 100, परसेंटेज निकल सकता है क्या, 4348 डिवाइडेड बाय 100,000 इंटू 100, तो ये आ गया 4.35% अप्रोक्स, 4.35% अप्रोक्स इफेक्टिव कॉस्ट, ठीक है। इसका मतलब विथ होल्डिंग टैक्स को मिलाकर, वैसे तो सीधा नेट पेमेंट इंटरेस्ट का कितना हो रहा है 4%, पर विथ होल्डिंग को टैक्स को मिलाकर मुझे टोटल पेमेंट हो रहा 4348, तो परसेंटेज में 4.35%। पर अगर मैं इसको सीधा सीधा जैसे सजेस्टेड में कर रखा है वैसे अगर करवाता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। और उसमें क्या कर रखा है, सुनोगे बेटे, सजेस्टेड में बोला, बोले इतना क्यों जमाने भर का कर रहे हो, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा भाई टोटल कितना पेमेंट करना आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, और जो कि 0.92 है आपके लिए, तो इफेक्टिव कॉस्ट वैसे निकल जाएगा, ग्रॉस, इसको ये नेट वैल्यू है तो ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 0.92, तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा 4.35%। बोले ये सब जमाने भर का करने की जरूरत नहीं है ना, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। इट मीन्स ये कौन सी वैल्यू है, नेट, और 8% जो टैक्स लगना वो किस वैल्यू पर लगना है, ग्रॉस वैल्यू पर। प्रोविजन भी यही बोलते, प्रोविजन के हिसाब से ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से मुझे थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा, पर ठीक, ओके सर। तो इफेक्टिव कॉस्ट इंक्लूडिंग विथ होल्डिंग टैक्स मेरा 4% नहीं बढ़ा, मेरा कितना बढ़ा, 4.35%, ओके सर। तो अब यहाँ लिखते हैं, इफेक्टिव कॉस्ट 4 डिवाइडेड बाय 0.92, तो ये आ गया 4.35%, ठीक है। लेकिन अब कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी स्टोरी में और कुछ बाकी है, अब समझना ध्यान से, यहां तक ठीक है, विथहोल्डिंग टैक्स का समझ में आया। अब लिखा है इफ द इंटरेस्ट रेट गिवन अबो आर मार्केट डिटरमाइन एग्जामिन विच लोन इज द मोस्ट अट्रैक्टिव यूजिंग इंटरेस्ट रेट डिफरेंस। अब एक और समस्या थी, और वो समस्या मैंने आपको पहले भी बोला था, क्या जर्मनी से लोन लेने में दिक्कत है, नहीं, कोई रिस्क था ही नहीं। क्या यूएस से लोन लेने में दिक्कत है, हाँ,
क्या दिक्कत है यूएस से लोन लेने में? यूएस से लोन लेने में ये दिक्कत है कि एक साल बाद अगर डॉलर जो है वो महंगा हो गया तो फिर सर हमको ऐसा है कि ज़्यादा डॉलर महंगे में खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें डॉलर में वापस करना पड़ेगा ना, और अगर हम डॉलर में वापस करेंगे तो डॉलर महंगा हो जाएगा और हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो भी तो एक चीज़ है, उसको कैसे छोड़ सकते, उसको भी तो कंसिडर करो। जर्मनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो जगह रिस्क है। यूएस बैंक से खरीदोगे तो रिस्क है डॉलर का रेट बढ़ने का, एसएफ वहां भी रिस्क है स्विस बैंक से एसएफ का रेट बढ़ने से, उसका भी तो देखना पड़ेगा। और सुनो सुनो बेटे सुनो, ध्यान से सुनो ना मेरी बात। यहां देखो, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, और स्विस, पहले इन दोनों का कंपैरिजन करें। क्या आपने आईआरपी थ्योरी पढ़ा है, आईआरपी इंटरेस्ट रेट पैरिटी? और पता है आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी हमने ढंग से पढ़ा हुआ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम होगी। आईआरपी बोलता क्या है, आईआरपी ये बोलता है कि ऐसी कंट्री जहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कहां का कम है, यूएस का, किसकी अपेक्षा, जर्मन की अपेक्षा, जर्मनी की अपेक्षा, तो उस कंट्री की जो करेंसी है ना फ्यूचर में वो स्ट्रांग हो जाएगी। सर अच्छे से समझाओ, अच्छे से सीधी सीधी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, 4% है यूएस का, तो डॉलर स्ट्रांग होगा किसकी अपेक्षा, यूरो की अपेक्षा, जर्मनी की जो भी करेंसी उसकी अपेक्षा डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। और हमारे साथ वही तो दिक्कत है, अगर डॉलर स्ट्रांग हो गया तो यार हमको तो जो 4% ठीक है उसके अलावा भी तो एक्स्ट्रा जा रहा है। ओके सर, ये कैसे करेंगे, अब इसको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक से समझ रहा हूँ। ये सब जो यहां लिख रहा हूं इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज स्पॉट रेट डॉलर 1 इज इक्वल टू यूरो 0.8050 ले लेते हैं, ठीक है। आईआरपी लगाते, फॉरवर्ड रेट निकालते, आईआरपी, आईआरपी का फॉर्मूला क्या था, एफ आर इज इक्वल टू एस आर इन टू 1+R डिवाइडेड बाय 1+R। आप देख लेना स्पॉट रेट कितना है, ये मन से लिखा, मन से इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं है, कहीं शॉर्टकट से काम करेंगे, पर ये समझा रहा हूं बस। 0.8050 है ना यार, इनटू यहां यूरो तो ऊपर, यूरो का रेट, यूरो कितना है 1.05 डिवाइडेड बाय 1.04, चेक करते एक साल बाद क्या रेट होगा, 0.8050 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 1.04, तो ये आ गया यूरो 0.8127। सर इसका मतलब क्या बेटे, पास समझ रहा, आज जो डॉलर का रेट है वो है ये, आज डॉलर का रेट है ये, फ्यूचर में डॉलर का रेट ये हो जाएगा। क्या डॉलर महंगा हो गया, यस, अगर डॉलर महंगा हो गया तो भाई आपके जेब से जो इंटरेस्ट जाएगा जाएगा, उसके अलावा ये भी तो एक्स्ट्रा खर्चा है। कितने परसेंट से बढ़ गया डॉलर, एक बार परसेंटेज देख लेते हैं क्या, हाँ सर परसेंटेज देख लेते, कितने परसेंट से बढ़ा, समझा रहा हूँ मैं, कैसे निकालोगे, याद है फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालते थे, हाँ फॉरवर्ड रेट कितना है 0.8127, और पहले कितना था 0.8050 डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट 0.8050 इंटू 100। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ये दिख रहा है कि इन दोनों में कितने परसेंटेज से बड़ा, मैं ये निकाल रहा हूँ 0.8127 माइनस 0.8050 डिवाइडेड बाय 0.8050 इंटू 100, तो 0.96% 0.96% एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा पर एनम का, आपकी जो करेंसी है वो 0.96% से बढ़ गई है। पर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल काम की चीज, ये कहाँ से आया, ध्यान से समझो बेटे ध्यान से, सर ये कहाँ से आया, ये जो दिख रहा है ना ये कहाँ से आया बेटे, वो इस इक्वेशन से आया, इस इक्वेशन से आया। अब इसी इक्वेशन को मैं पुट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है,
ये वाला कहाँ से आया? यहाँ से यूरो 0.8050 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाय 1.04। ये कौन सा रेट है? फॉरवर्ड रेट माइनस ये कौन सा? स्पॉट। 0.8050 डिवाइडेड बाय यूरो 0.8050। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो सीधा सीधा ये तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1.05 डिवाइडेड बाय 1.04, ये तो आपस में कट गया और ये यहाँ आपस में डिवाइड हो गया 1/1 मतलब -1। चेक करो आंसर कितना आएगा, बाद में इंटू 100 कर लेंगे। 1.05 डिवाइडेड बाय 1.04 -1, लास्ट में इंटू 100 करोगे तो आपको आश्चर्य होगा आंसर उतना ही आएगा 0.96%। मेरा बस क्वेश्चन है कि आपका जो सजेस्टेड है उसमें ये सब कहानी नहीं है, ये सब स्टोरी नहीं है। उन्होंने सीधा इस इक्वेशन को यूज कर कर लिख दिया प्रीमियम इन डॉलर्स, वो भी तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे? हम ऐसे ही करेंगे सीधा सीधा प्रीमियम इन डॉलर्स। इन सब कैलकुलेशन की आपको ज़रूरत नहीं है सर, इसलिए नहीं है क्योंकि ये सब आपको एग्जाम में नहीं दिखाना। वैसे भी ये क्वेश्चन ना मालूम है ज़्यादा नंबर का आया नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है सर, यस। तो इसके अलावा और एक चीज़ देखना पड़ेगा, क्या चीज़? प्रीमियम इन डॉलर कैसे निकला था? 1.05 डिवाइडेड बाय 1.04 -1 और इंटू क्या कर दें? 100। एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूँ, फॉरेक्स का तो आपको अच्छा खासा नॉलेज है। 1.04 -1 इंटू 100 तो ये आ गया 0.96%। तो भाई क्या कॉस्ट पड़ा? 4.35 प्लस 0.96, तो यहाँ कॉस्ट पड़ गया हमारा 5.31%। अब लास्ट, अब तो टाइम लगेगा नहीं क्योंकि यूएस वाला समझ में आ चुका है हमको। लोन फ्रॉम स्विस बैंक, तो सबसे पहले बात किसकी कर ले? इफेक्टिव कॉस्ट वहां कितना था? 3% था, 0.92, तो यह आएगा 3.26%। सेम प्रोसेस है बाकी। दूसरा प्रीमियम इन SF, डिवाइडेड बाय 1.03 -1, लास्ट में क्या कर लेंगे? इन 200 तो 1.94। इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा भाई? 3.26 प्लस 1.94, 5.2%। अब बताइए सर कि किसमें एक बार में फिर भी चेक कर लेता हूँ, 3 ही है ना? हाँ जी, ये 3%। ठीक है, तो क्या सस्ता पड़ेगा हम लोगों को एक बार चेक करो। यहाँ 5.25% पर एनम है, यहाँ 5.31% और यहाँ 5. तो सबसे सस्ता तो यही है स्विस बैंक से, तो बस डिसीजन लिख देना है जी। और डिसीजन क्या आएगा? डिसीजन लिख देते हैं कि स्विस बैंक से। अच्छा अच्छा, आउटफ्लो भी दिखा देते हैं, तो यहाँ डिसीजन आ जाएगा। तो डिसीजन लिखते हैं, लोन फ्रॉम स्विस बैंक इज द बेस्ट ऑप्शन।
कैपिटल आउटफ्लोस, यूरो 1 लाख इंटू 1.052 कितना आएगा? यह आएगा यूरो 1052 00। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, यूनिक क्वेश्चन था, बिल्कुल मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे चलते, इसी टाइप के क्वेश्चन से नए नए क्वेश्चन करेंगे।